इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बदलाव है, ऐसा बदलाव जिसने देश को परमाणु शक्ति का केंद्र बनाया, जिन्होंने देश को पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश जैसे मिसाइल्स दिए, जिनके नेतृत्व में पोखरण का सफल परीक्षण संभव हो पाया। उन्होंने न केवल देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया बल्कि अपने लिखे हुए हर शब्दों से हमेशा ही देश के युवाओं को प्रेरणा भी दी। मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा, जिस बीच उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट्स के नाम से जाना जाता था, जिन्हें देश का हर युवा अपना रोल मॉडल मानता है। मिसाइल मैन के जिंदगी में एक वो दौर भी रहा जब वो अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचने से उनके राष्ट्रपति बनने तक देश के लिए उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। वो कहते थे, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। ऐसे उच्च विचार रखने वाले अब्दुल साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, जिनके योगदानों को हमेशा याद रखा जाएगा, जिनके विचारों से युवाओं को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके लिए कुछ शब्द। आया था वो नन्हा सा एक परिंदा बनकर इस दुनिया में, लेकिन शुरुआती हालातों ने उसे उड़ने ना दिया। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया तो कभी हालातों ने उसे तोड़ दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही था मंजूर। पिता की सीख और माँ के साथ ने उसे बुलंदियों के उस मुकाम तक पहुंचा दिया। तभी तो अखबार बेचने वाला वो बच्चा पूरे देश का चहेता बन गया। देश के बच्चों से था प्यार उसे, और फिर उन्हें कुछ और सिखाना ही उसका लक्ष्य बन गया। फिर अचानक वो घड़ी भी आ गई जब वो परिंदा ना जाने कहाँ चला गया। शायद जिसने उसे भेजा था उसी ने उसे अपने पास वापस बुला लिया। सच में कमाल के थे कलाम साहब। न्यूज टाइम्स इंडिया ऐसे दिग्गज राष्ट्रपति, कामयाब वैज्ञानिक और महान व्यक्तित्व को सलाम करता है।